मध्य प्रदेश के एक शहर के अंदर एक परिवार रहा करता है, जिस परिवार के अंदर दो माता पिता हैं और एक उनका लड़का है जिसका नाम है अनूप। अनूप जो कि अभी 8वीं क्लास में पढ़ता है और पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है। अनूप के पिता सरकारी टीचर हैं तो उनके घर की आमदनी अच्छी खासी है और उनका गुजारा अच्छी तरह से हो जाया करता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जो अनूप होता है वो पढ़ लिखकर एक SDM बन जाता है। अब अनूप SDM बन गया था तो SDM बनने के बाद वह अपने कार्यभार को बड़ी अच्छी तरह से संभाला करता है और पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने कामों को पूरा किया करता है। अनूप के पिता इस बात को सुनकर बड़े खुश होते हैं कि उनका बेटा अब SDM बन गया है तो उसका जीवन भी अब अच्छी तरह से व्यतीत हो जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ अनूप को एक दिन एक गांव के अंदर जाना पड़ता है किसी काम को करने के लिए। और जैसे ही अनूप गांव के अंदर जाता है तो वहां पर जाने के बाद गांव की सभ्यता को देखकर, गांव के वातावरण को देखकर बड़ा ही हैरान और आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि दोस्तों अनूप के लिए सब कुछ नया था। शहर के लोगों के साथ तो वो बचपन से रहा था लेकिन गांव के लोग आज उसने पहली बार देखे थे, जिनको देखकर वो बहुत कुछ सोचता है उनके बारे में और सोचता है कि काश मैं भी अपने गांव के अंदर रहा करता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि गांव का जो वातावरण है, वहां के लोगों का जो भोलापन है, वो सभी उसे बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद अनूप वहां से अपना काम करके वापस अपने ऑफिस आ जाता है और उसी गांव के बारे में सोचता रहता है। सोचते-सोचते धीरे-धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय जैसे ही अनूप की छुट्टी होती है वह अपने घर चला जाता है। अब घर जाने के बाद वह अकेला आराम कर रहा था और आराम करते हुए उसके दिमाग में उस गांव की छवि घूम रही थी। इसके बाद अनूप अपना फोन निकालता है और अपने पिता के पास फोन करता है और कहता है कि पिताजी हमारा गांव कौन सा है। अब इस बात को सुनकर जो अनूप के पिता होते हैं वो एकदम से आश्चर्य में पड़ जाते हैं और पूछते हैं कि बेटा तू ऐसा क्यों पूछ रहा है। उसके बाद वह बताता है कि पिताजी आज मैं एक गांव के अंदर गया था और वहां पर जाकर जैसे मैंने गांव का माहौल देखा, वहां का वातावरण देखा और लोगों का भोलापन देखा तो मुझे भी इच्छा है कि मैं भी अपने गांव में घूम कर आऊं और गांव के हालात को देखूं। इस बात को सुनने के बाद उसका पिता उसे उसके गांव के बारे में बता देता है। वह बताता है कि बेटा हम फलाने गांव से हैं और हम तुम्हारे जन्म से भी काफी दिनों पहले यहां पर आकर बस गए थे और इसी वजह से अनूप को गांव के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब इसके बाद जो अनूप होता है वह अपने पिता से और थोड़ी बहुत देर बातें करता है और बातें करने के बाद उस फोन को काट देता है। अब फोन कटने के बाद उसे अपने गांव के बारे में पता चल गया था और जो गांव उसके पिता ने बताया था वो उसी के अंडर में आता था। अब इसके बाद अनूप अपने गांव के लोगों के साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहता है लेकिन फिर वह अपनी नौकरी की तरफ ध्यान देता है तो वह सोचता है कि अगर मैं अपने गांव में जाऊंगा तो वहां पर ये लोग अगर मेरे साथ गए तो बड़ी ही दिक्कत हो जाएगी, गांव के लोगों को अलग तरह का फील होगा और वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वह गांव के अंदर एक साधारण व्यक्ति की तरह कुछ समय बिताना चाहता था तो इसी वजह से वह अपने डिपार्टमेंट से कुछ दिनों की छुट्टी लेता है और छुट्टी लेने के बाद वह एक साधारण व्यक्ति का बेस बनाकर अपने गांव के अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने गांव में जाता है तो वहां के हालात को देखकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। दोस्तों जिस गांव को देखकर उसने अपने गांव आने का फैसला किया था उस गांव से ये वाला गांव बिल्कुल विपरीत था। वहां पर लोगों के चेहरों पर खुशहाली थी और वो गांव अच्छी तरह से फल फूल रहा था लेकिन जो अनूप का गांव था वो बुरी तरह से संकटों से जूझ रहा था। गांव के अंदर ना तो कोई सरकारी स्कूल था और ना ही खेतों की सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था थी। गांव की महिलाओं को पानी भरने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था और इन्हीं सभी चीजों को देखकर जो अनूप था उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह वहीं पर बैठ जाता है और बैठा बैठा बहुत गहराई से सोच सोच कर फूट फूट कर रोने लगता है। इतनी ही देर में गांव का एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था तो वह उससे पूछने लगता है कि भाई तुम कौन हो और यहां पर इस तरह से क्यों रो रहे हो। इसके बाद अनूप उस व्यक्ति को बताता है कि अंकल जी मैं एक व्यापारी हूं और मैं यहां पर व्यापार करने के लिए आया था लेकिन जिस सामान का मैं व्यापार करता हूं वो सामान आने में अभी 4-5 दिन लगेंगे और 4-5 दिन तक मैं कहां रहूंगा, किसके साथ समय व्यतीत करूंगा, इस बात को सोच सोच कर मैं परेशान हूं और इसी वजह से मैं बैठकर रो रहा हूं। उसके बाद जो गांव का व्यक्ति होता है उससे कहता है कि बस इतनी सी बात और इतनी सी बात के लिए तुम इस तरह से रो रहे हो, इस बात की कोई चिंता मत लो, अगर तुम्हें थोड़े बहुत दिन यहां पर रहना है तो तुम मेरे घर में रह सकते हो, कोई भी परेशानी तुमको नहीं होगी। इसके बाद अनूप उस व्यक्ति के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। वह उसे अपने घर ले जाता है और घर ले जाकर मेहमानों की तरह उसकी देखभाल करने लगता है। इसके बाद जो अनूप होता है वो गांव के अंदर इधर उधर घूमने लगता है और घूमते घूमते गांव का अच्छी तरह से निरीक्षण करने लगता है। वह गांव के अंदर देखता है कि गांव के अंदर कोई भी सुख सुविधाओं के सामान नहीं है, इस गांव की बहुत ही बुरी कंडीशन हो चुकी है, यहां के जितने भी युवा हैं वो पूरी तरह से बेरोजगार हैं और गांव के अंदर एक भी सरकारी स्कीम लागू नहीं की गई है। इन सभी चीजों को देखने के बाद जो अनूप होता है वो इन सभी चीजों को सुधारने की कोशिश करता है क्योंकि यह गांव भी उसके अंडर में ही आता था। तो पहले
वो इस मामले की अच्छी तरह से तहकीकात करना चाहता है क्योंकि गांव के अंदर जितनी भी स्कीमें हैं वो किस वजह से लागू नहीं हो पा रही हैं और कौन ऐसा व्यक्ति है जो इन सभी स्कीमों को गांव वालों तक नहीं पहुंचने दे रहा है। इसके बाद अनूप घूमते घूमते ऐसी एक बैठक पर पहुंच जाता है जहां पर कुछ लोग इकट्ठा बैठे हुए थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वहां जाकर गाँव के बारे में छोटी छोटी बातों को पूछने लगता है कि यहाँ इस गाँव के अंदर इस तरह की सुविधाएं क्यों नहीं है जो और सभी गाँव में देखी जाती हैं। उसके बाद वह बुजुर्ग लोग उससे पूछने लगते हैं कि भाई तू कौन है और कहां से आया है। तो वह बताता है कि मैं एक व्यापारी हूं और मैं गांव-गांव जाकर इसी तरह से व्यापार किया करता हूं, लेकिन यहां पर मेरा जो सामान है व्यापार करने का वो कुछ दिनों बाद आएगा। तो उसके बाद वह बुजुर्ग लोग जो बैठक पर बैठे हुए थे वह अनूप को गांव की कंडीशन को बताने लगते हैं। वह कहते हैं कि ना तो यहां पर खेतों की सिंचाई के लिए पानी है और ना ही पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था है और यहां पर सरकारी स्कूल तो है लेकिन उनके अंदर टीचर नहीं बैठा करते। उसके बाद अनूप घूमता घूमता इन सभी चीजों को देखकर आता है और ये सभी चीजें उसे ऐसे ही दिखाई देती है। वह पता करता है कि गांव का सरपंच कौन है और पता करने के बाद गांव के सरपंच के पास पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद वह सरपंच साहब से इन सभी समस्याओं के बारे में बतियाने लगता है, लेकिन सरपंच साहब भी उससे यही सवाल पूछते हैं कि तू कौन है और कहां से आया और किस वजह से इन सभी चीज़ों के बारे में पूछ रहा है। उसके बाद वह सरपंच से भी यही बात बताता है कि वह एक व्यापारी है और उसका सामान अभी कुछ दिनों में गाँव में आ जाएगा और उसके बाद वह यहाँ पर व्यापार करेगा। लेकिन सरपंच साहब को ये बात बड़ी बुरी लगती है कि एक व्यापारी आकर उसके गाँव के बारे में उससे तहकीकात कर रहा है, तो वह उसे धमका देता अपने घर से बाहर निकाल देता है। अब यह बात अनूप को बड़ी बुरी लगती है, उसे गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन फिर भी वो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखता है और इस बात को ऐसे ही शांत रहने देता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ वह गांव वालों को गांव के लिए जागरूक करने लगता है। वह गांव के युवाओं के पास जाता है और उनसे इस बारे में बातें करने लगता है कि उनका गांव काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ है जबकि और गांव काफी ज्यादा तरक्की कर चुके हैं। इसके बाद बातें करने के बाद उसे पता चलता है कि गांव के अंदर जो सरकारी सुविधाएं हैं उनका अभाव होने के कारण ये सब कुछ हुआ है। अगर गांव के अंदर पानी की व्यवस्था अच्छी तरह से हो जाती तो गांव को सूखा का सामना करना नहीं पड़ता। जो खेत आज के टाइम पर बंजर दिखाई देते हैं कभी अच्छी तरह से लहलाया करते थे और जो किसान यहां पर खेती किया करते थे वो अच्छा खासा पैसा कमाया करते थे, लेकिन गांव के अंदर सिंचाई की उचित व्यवस्था ना होने के कारण आज वो खेत बंजर हो गए थे और गांव के युवाओं को भी बेरोजगारी और भुखमरी का सामना करना पड़ रहा था। गांव की जितनी महिलाएं थे वो भी परेशान थी, गांव के बच्चे भी परेशान थे और गांव के बुजुर्ग भी परेशान थे। वहां पर स्कूल तो थे लेकिन स्कूल के अंदर टीचर नहीं थे, स्वास्थ्य केंद्र थे लेकिन उनके अंदर अच्छे डॉक्टर नहीं थे। इसके बाद जो अनूप होता है वो उन लोगों को इन सब चीजों के लिए जागरूक करने लगता है और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो गांव के लोग होते हैं वो अनूप का साथ देते हैं और उसके बाद जो अनूप होता है उनको लेकर उच्च अधिकारियों के पास जाता है और उनसे इन सभी चीजों की शिकायतें करने लगता है। शिकायतें करने के बाद वह वापस आ गए थे लेकिन तभी थोड़ी ही देर बाद उस गांव का सरपंच अनूप के पास आ जाता है और उसे धमकाने लगता है। कहता है कि तू होता कौन है इन गांव वालों को भड़काने वाला, तू कहीं बाहर से आकर इन गांव वालों को भड़का रहा है और अगर तुमने आगे से ऐसा किया तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब यह बात अनूप से बिल्कुल भी सहन नहीं होती क्योंकि जो गांव का सरपंच था उसी की वजह से ये गांव इतना पिछड़ा हुआ था। अगर वो बड़े अधिकारियों से गांव वालों के साथ मिलकर इन सभी चीजों की शिकायतें करता तो आज ये गांव हरा भरा और खुशहाली से भरपूर होता, लेकिन गांव के सरपंच ने जो भी योजनाओं के लिए पैसा आया करता था उस सब का गबन किया था बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर। और आज भी उसके यहां पर आने का यही कारण था, जैसे ही गांव के लोग वहां पर शिकायत करके आए थे तो उन अधिकारियों ने यहां पर बता दिया था कि तुम्हारे गांव से कुछ लोग शिकायत लेकर आए हैं और उन्हें रोको। अब यह सब बातें अनूप से सहन नहीं होती और वो एकदम से सरपंच को धमका देता है। कहता है कि तुम इसी गांव के होना और इसी गांव के होकर इसी गांव के लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हो, यह कोई अच्छी बात है। अब इस बात को सुनकर सरपंच थोड़ा सा गुस्से में आता है लेकिन तभी जो अनूप होता है उसको अपना परिचय देता है। कहता है कि मैं यहां का SDM हूं और मैं इस गांव का निरीक्षण करने के लिए यहां पर आया था कि गांव के लोगों का जीवन किस तरह से व्यतीत हो रहा है। अब इस बात को सुनने के बाद जो सरपंच होता है वो एकदम से घुटनों पर आ जाता है और SDM साहब से माफी मांगने लगता है। कहता है कि साहब हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन अनूप तभी के तभी अपने ऑफिस में फोन करता है और ऑफिस फोन करने के बाद वहां से पुलिस को बुला लेता है और पुलिस के जरिए सरपंच को पकड़वा देता है। और इसके बाद अनूप उन सरकारी अधिकारियों पर भी कार्रवाई करता है जिन्होंने इस गांव की उन्नति को रोक के रखा था। अब यह बात जैसे ही गांव के अंदर पता चलती है कि अनूप नाम के उस व्यापारी ने जो गांव के अंदर इधर तो घूमा करता था उसने गांव के सरपंच को पुलिस से पकड़वा दिया है, तो सभी लोग इकट्ठा होकर उसके पास आते हैं। वहां पर आने के बाद उससे पूछने लगते हैं कि भाई तुम कौन हो और किस वजह से तुमने हमारे सरपंच साहब को जेल के अंदर बंद करवा दिया है। तो उसके बाद अनूप उन सभी लोगों को सरपंच की सच्चाई के बारे में बताता है। वह कहता है कि गांव का सरपंच ही था जिसने तुम्हें इन सभी सुविधाओं से वंचित रख रखा है, जिन सुविधाओं के अभाव के कारण गांव के अंदर भुखमरी का माहौल बन गया है। उन्हें बताता है कि किस तरह से
सरपंच बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर पैसों का गबन कर लेता था और जो पैसे भी गाँव के विकास के लिए आया करते थे उन सभी को अपने पास रख लिया करता और अपने लिए उनका उपयोग किया करता। अब इन सभी बातों को सुनने के बाद जो वहाँ के लोग होते हैं वो अनूप के जय जयकार करने लगते हैं और तभी वो व्यक्ति जो सबसे पहले अनूप को मिला था वह उसके पास जाता है और उससे पूछने लगता है कि भाई तुम व्यापारी हो या कोई और हो, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई उन कामों को देखकर मुझे तो नहीं लगता कि तुम एक व्यापारी हो। तो उसके बाद अनूप सभी लोगों को सच्चाई बता देता है। वह कहता है कि मैं इसी गाँव का बेटा था लेकिन वो तो मेरे पिताजी ड्यूटी के सिलसिले में शहर में रहा करते थे और वहीं पर मेरा जन्म हुआ है और वहीं पला बड़ा हूँ। उसके बाद वह अपने पिता का नाम सभी लोगों को बताता है तो गाँव के जो कुछ बुजुर्ग होते हैं जो उसके पिता को जाना पहचाना करते थे वो एकदम से अनूप को पहचान लेते हैं और उसके दादा का नाम भी उसको बता देते हैं। गांव वाले उसकी बड़ी तारीफ करते हैं और उसकी जय जयकार करते हैं। इधर जो अनूप होता है वो गांव के अंदर सभी सुविधाओं को लाने की कोशिश करने लगता है। वह गांव वालों से जगह जगह जाकर एप्लीकेशन देने के लिए कहता है और खुद SDM के पद पर होते हुए उस गाँव की सभी जरूरतों को पूरी करवाता है। धीरे धीरे एक साल बीतता है और एक साल के अंदर उसने गाँव के अंदर सरकारी स्कूल को अच्छी तरह से चला दिया था, उसके अंदर टीचर आ गए थे और जो वहां पर स्वास्थ्य केंद्र था उसको भी अच्छी तरह से रखने लगा था, उसके अंदर भी डॉक्टर आ गए थे और उन डॉक्टरों से गांव वाले अपना इलाज करवाया करते थे। गांव के खेतों के लिए सिंचाई का भी उचित प्रबंध हो गया था क्योंकि वह गांव के लोगों को बताया करता है कि वहां पे आपको इसकी शिकायत देनी है और उसके बाद आपका ये काम हो जाएगा। ऊपर से वह उन लोगों की मदद कर दिया करता कि जहां की शिकायत आई है उस पर वहां का डिपार्टमेंट अच्छी तरह से काम करे। एक साल के अंदर उसका गाँव एकदम से खुशहाली से भर गया था और वहां के लोगों के चेहरे पर जो मायूसी थी वो एकदम से खत्म हो गई थी। अब लोग अच्छा खासा कमाया करते और अच्छी तरह से उस गांव के अंदर रहा करते। अब इसके बाद जो अनूप होता है एक दिन अपने माता पिता के पास जाता है और वहां जाकर उनसे कहने लगता है कि माँ बाबूजी आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। अब उसके माता पिता उससे पूछते हैं कि बेटा क्या सरप्राइज है, लेकिन वो उनसे कहता है कि अभी नहीं बताऊंगा, जब हम लोग वहां पर पहुंच जाएंगे तो ही आप लोगों को बताऊंगा। अनूप अपने माता पिता की आंखों पर पट्टी बांधता है और पट्टी बांधने के बाद उन दोनों को अपने साथ गाड़ी में बिठाता है और अपने उसी गाँव में ले जाता है जहां से वो पीछे से बिलोंग किया करते थे। वहां पर जाने के बाद अपने माता पिता को नीचे उतारता है और उनकी आंखों के सामने से पट्टी खोलता है। पट्टी खोलने के बाद जैसे उसका पिता अपने उस गांव को देखता है जिस गांव के मिट्टी में वो पहले खेला कूदा करता था और वहीं पे उसके पिता का बचपन बीता था तो उसे देखकर एकदम से उसके पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन गांव की दशा को देखकर उन्हें बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये वही गांव है जिस गांव में मेरा बचपन बीता था। असलियत में अनूप के पिता उस गांव को छोड़कर गए ही इसलिए थे क्योंकि उस गांव के अंदर ज्यादातर सरकारी सुविधाएं नहीं मिला करती थी और इन्हीं सभी चीजों से परेशान होकर अनूप के पिता उस गांव को छोड़कर शहर में चले गए थे क्योंकि उनकी सरकारी नौकरी थी तो उन्हें रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं थी। अब यहां आने के बाद वे चारों तरफ गांव को देखते हैं और कहते हैं कि बेटा ये गांव तो हमारे शहर से भी बढ़कर है, यहां पर अच्छा वातावरण है और लोगों में खुशहाली है। लेकिन उसके बाद जैसे ही गांव वालों को यह पता चलता है कि अनूप के माता पिता भी यहां पर आ गए हैं तो सभी गांव वाले मिलकर उनका धूमधाम से स्वागत करते हैं और स्वागत करने के बाद उन्हें गांव के अंदर ले जाते हैं। गांव में उनका बहुत अच्छी तरह से वेलकम हुआ था और वेलकम होने के बाद सभी लोग उनके बेटे अनूप के बारे में उनको बताते हैं। कहते हैं कि गांव के अंदर जरा भी खुशहाली नहीं थी लेकिन अनूप ने यहां पर आकर सब चीजों को अपने हिसाब से देखा और देखने के बाद उन सभी चीजों को ठीक किया और अब हमारे गांव के अंदर अच्छी खासी फसल उग जाया करती है और परिवार भी हंसी खुशी रहा करते हैं। इन सभी चीजों को देखने के बाद जो अनूप का पिता होता है वो एकदम से अपने बेटे को गले से लगा लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद अनूप गांव के अंदर एक घर खरीदता है और उसके अंदर अपने माता पिता को रहने के लिए छोड़ देता है। अनूप अपनी ड्यूटी किया करता और ड्यूटी के बाद जब भी उसे टाइम मिला करता तो वह अपने गांव में आकर अपना समय व्यतीत किया करता। तो दोस्तों ये थी कहानी एक SDM साहब की जो कि शहर में पला बड़ा लेकिन बाद में अपने गांव पहुंचा और गांव जाने के बाद उसने अपने गांव की दशा ही बदल दी। आप क्या कहना चाहते हो अनूप के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो अनूप के पिता के बारे में, आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख देना, लोगों के साथ शेयर कर देना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय हिंदुस्तान।